पे जज करके मारा है और बॉल गई सीधा सीमा रेखा के और प्लेयर के बीच से बॉल सीधा। एक बार इस बार उठाया, इस बार शॉट था कड़क और एक झकास शॉट कैच। अभी जैसे कैच किसने पकड़ा ना पता नहीं चल रहा वहां पे, वहां पे जगह तो गई। हां जैसे नाम पल्स हो जाता है विक्की ने वहां पे शानदार कैच पकड़ा था लॉन्गो पे, ब्रिलियंट कैच की बात की जाए तो शानदार कैच है वो। और केदार वहां पे 14 गेंदों में 15 गेंदों में 23 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे आउट होते हुए पवेलियन मोहेंट की ओर जाते हुए दिखाई दिया। और अब आए हैं हब्बास हबीब, आए नए जो बल्लेबाज है हबीब, और डॉल स्ट्राइक पे है मिकाइल सरदार और इस बार खेला है सीधा सीमा रेखा और फिर से वही कैच पकड़ा और बैक टू बैक वही विकी मौजूद है और 2 गेंदों में 2 कैच पकड़ के शानदार वापसी की है वहां पे। और देखना होगा कि क्या हैट्रिक मिल पाती है या नहीं मिल पाती अब्बास को, वहां पे बॉलर है और 4 रन देके उन्होंने 2 विकेट लिए अभी तक और उनके अभी 3 गेंद अभी भी बची हुई है तो देखना होगा कि क्या करते हैं। शानदार कैच पकड़ा था वहां पे नए बैट्समैन आए हैं शाकिब शेख, जो नए बैट्समैन है मिकाइल स्ट्राइक पे इस बार खेला है वहां पे और हैट्रिक चांस मिला यहाँ पे। क्या बात है यार, क्या बात है, वहां पे हैट्रिक मिला है उनको। और कैच पकड़ने वाले बंदे का नाम क्या था? अमन ने वहां पे उनको हैट्रिक दिलाई है, बहुत शानदार और ऐसे ही फील्डिंग की आवश्यकता थी और यहाँ पे हैट्रिक उन्होंने चांस मिला उनको। बढ़िया वहां पे कैच पकड़ा अमन ने, क्या बात है।